भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर महामंत्री योगेश सांगते के खिलाफ की गई रासुका की कार्रवाई के विरोध में वाल्मीकि समाज सहित भाजपा मैदान में आ गई है। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में गुरुवार को भाजपा और वाल्मीकि समाज के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर धरना दिया और योगेश सांगते के खिलाफ की गई रासुका की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्वक बताते हुए उक्त कार्रवाई को वापस लेने की मांग की। हम भी सब रासुका में जाने के लिए तैयार है। कमलनाथ में ताकत है, कलेक्टर में ताकत है, एसपी में ताकत है और आईजी में ताकत है, तो सबसे पहले हमको रासुका में बंद करे। और बात का ध्यान रखे, जिन लोगों ने माइक पे यहाँ भी बोला है, उन छोटे कार्यकर्ताओं के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई की तो हम नेता किसी भी हालत में तुमको छोड़ने वाले। सांसद अनिल फिरोजिया ने चेतावनी दी कि जब तक कार्रवाई वापस नहीं होगी धरना जारी रहेगा। इस दौरान उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया सहित विधायक पारस जैन, महापौर मीना जोनवाल सहित नगर भाजपा अध्यक्ष विवेक जोशी मौजूद रहे। एक विशेष वर्ग के द्वारा सीएए का विरोध कर रहा और वह महाकाल के एक रोड को रोक के वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। समाज के लोगों ने 50-60 समाज के लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया था कि उसको रोड को क्लीन किया जाए क्योंकि शिवरात्रि है। उसी तारतम्य में योगेश सांगते जो वाल्मीकि समाज का एक कार्यकर्ता है उससे कोई वर्षण दिया, उसके ऊपर रासुका लगा दी। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि एक दलित के ऊपर एसपी कलेक्टर ने तुरंत रासुका लगाकर उसको जेल में बंद करा। हमारी मांग ये है कि उसको रिहा किया जाए और महाकाल का, क्योंकि शिवरात्रि पर्व है तो महाकाल का रास्ता विश्व से लोग आते हैं, तो महाकाल का रास्ता को क्लीन किया जाए ताकि लोग आके दर्शनार्थी दर्शन कर सकें। उल्लेखनीय है कि सीएए के विरोध में एक वर्ग विशेष के लोगों द्वारा बेगम बाग महाकाल मार्ग पर पिछले कुछ दिनों से धरना दिया जा रहा है। इसी को लेकर सर्व समाज के लोगों ने दो दिन पहले महाकाल मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया था और धरना दे रहे लोगों को हटाने की मांग की थी। उनका तर्क था कि धरना दे रहे लोगों की वजह से महाकाल मंदिर क्षेत्र में अशांति फैल रही है और रास्ता बाधित हो रहा है। इसी को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर महामंत्री योगेश सांगते ने पुलिस और प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर प्रशासन और पुलिस ने धरना दे रहे लोगों को नहीं हटाया तो उन्हें हटाना आता है। उनके इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। पूरे देश के अंदर इन्होंने एक अराजकता का माहौल पैदा किया हुआ है, उसी प्रकार से चाह रहे हैं कि उज्जैन की को भी अशांति में माहौल मिले और उज्जैन को अशांत करने का इनका एक पूरा प्रयास है। लेकिन पूरा हिंदू समाज एकत्र होकर आज उन्होंने ये इसका विरोध किया और पिछले अगले तीन चार दिन के अंदर अगर ये शासन इनको नहीं हटाता है तो पूरा हिंदू समाज एकत्र होकर के इन रास्तों को खुलवाना जानता है। मैं चुनौती देता हूँ शासन को कि वह अगर इन असामाजिक लोगों को इन रास्तों से अगर नहीं हटाएगा तो हिंदू समाज पूरी ताकत से अलग अलग रास्तों को रोकने का काम करेगा और पूरे उज्जैन के अंदर अशांति हम करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से होती है। इस पूरे रोड को इन्होंने अवरोध पैदा करके जो इन्होंने काम किया है उसका मैं पूरा विरोध करता हूं और शासन से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इन लोगों को यहां से रास्तों से हटाए, वरना हम हटाने का काम करेंगे तो ठीक नहीं होगा।